तो प्रियांशु देखो, आज मैं तुमको बता रहा हूं कि बेसिक डेटा टाइप क्या होते हैं पाइथन में। पाइथन को किसने बनाया था? गाइडो वॉन रोसम ने। किसने बनाया था? गाइडो वॉन रोसम। तो गाइडो वॉन रोसम ने जब पाइथन को बनाया था तो पाइथन में डेटा टाइप भी बनाया था, ठीक है। पाइथन की कोडिंग हम किस पे करेंगे? ये पाइथन की आइडियलिटी है। इसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको कहां जाना चाहिए? आपको सीधा गूगल पे जाना चाहिए। यहां से जैसे मान लीजिए मेरे पास क्रोम ब्राउजर है, मैं इसे सर्च करता हूं और यहां पर गूगल पे जाकर के हमें सर्च करना है एक वेबसाइट python.org। क्या सर्च करना है? python.org। और जैसे python.org सर्च करेंगे यहां पर आ जाएगा और यहां पर डाउनलोड मिलेगा आपको। यहां से डाउनलोड करके और यहां पर जो भी जिस भी कैटेगरी का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसके अकॉर्डिंग यहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो बात रही डाउनलोडिंग की, मेरे पास पहले से डाउनलोडेड है तो मैं इसी को ओपन कर रहा हूं, ठीक है। ठीक है, अब यहां पर जो है आइडियली आपको ओपन करना है। आइडियली का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। क्या होता है? इंटीग्रेटेड, आई से इंटीग्रेटेड, डी से डेवलपमेंट, एल से लर्निंग और ई से एनवायरनमेंट, ठीक है। अब इसमें हम ओपन कर लेते हैं। अब इसमें आपको बताते हैं कि बेसिक डेटा टाइप पाइथन के कौन कौन से होते हैं। तो ये पाइथन की शेल है। क्या है? इसे पाइथन की शेल कहते हैं, यानी पाइथन का होम पेज, ठीक है। पहली प्रैक्टिस देखिए, पहली प्रैक्टिस आप कॉपी उठाइए, कॉपी उठा लो, कॉपी उठाओ जो लाए हो, और उस पे हमें आप बताएंगे कि क्या इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैं कुछ लिख रहा हूं, जैसे यहां पे लिखा मैंने 5 / 3 × 3 - 3 या -4 कर दिया। इसका आंसर आप मुझे बताइए क्या आएगा, लिखिए जल्दी कॉपी पे। ये प्रोग्राम आपको बनाना है और इसका (3) × 3 - 4 इसका आंसर क्या आएगा? हाँ आ जाएगा, नहीं तो 0.99 आएगा। तो यहां देखिए 1.0 आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं? इसको एक बार में सॉल्व करने पे आ रहा है ना, तो ये 1.0 आएगा। ये मैंने पाइथन के सेल पे इसे सॉल्व किया। अब हम आ जाते हैं यहां पर न्यू पेज ले लेते हैं और यहां पर आपको डेटा टाइप के बारे में बताता हूं। इसे कमेंट कहते हैं, हैश से क्या बोला जाता है, हैश लगाने से कमेंट होता है। क्या होता है? कमेंट होता है। अब मैं आपको बता रहा हूं डेटा टाइप, ठीक है। ये कमेंट का क्या मतलब होता है? कमेंट का मतलब कमेंट क्या मतलब होता है, इसका क्यों लिखा जाता है? ये बताने के लिए लिखा जाता है कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो पाइथन में बेसिक जो डेटा टाइप है, बेसिक डेटा टाइप मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, बेसिक डेटा टाइप कौन कौन से डेटा टाइप है बेसिक में? पहला आएगा आपका न्यूमेरिक होता है, न्यूमेरिक में दो आते हैं, एक होता है इंट, इंट यानी इंटीजर, और दूसरा क्या होता है? फ्लोट होता है, FLOAT फ्लोट। तो एक हो गया इंटीजर, दूसरा हो गया फ्लोट, और आता है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, ठीक है। और स्ट्रिंग जो डेटा टाइप होता है यही जो है आपका बेसिक डेटा टाइप है तीनों, ठीक है। इसके अलावा एक और होता है कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, आप इसको भी रख सकते हैं कैटेगरी में। कमेंट जो है प्रिंटिंग में नहीं आता है, जब इस प्रोग्राम को आप चलाएंगे तो ये कमेंट प्रिंट नहीं होगा। ये चीज याद रखिएगा कि कमेंट कभी भी प्रिंट नहीं होता है। अब यहां पर क्या करता हूं मैं, यहां पर मैं एक वेरिएबल चाहे तो बना सकता हूं, तो ए नाम से एक वेरिएबल बनाया। वेरिएबल की वैल्यू हमेशा चेंज होते रहती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए एक आपके पास डब्बा है, डब्बा खाली है, तो डब्बे में आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही वेरिएबल है। तो यहाँ पे ए नाम से एक वेरिएबल बनाया और इसमें हमने रख दिया 5 इंटीजर है कि नहीं है? अगर मैं यहाँ पे -5 कर दूं तब ये इंटीजर नहीं रहेगा, क्यों? -5 है तो भी तो इंटीजर है, प्लस या माइनस वाली वैल्यूज इंटीजर कहलाती है, आपको मैथ भी ठीक से नहीं आता है, ठीक है। अब देखिए एंटर करिए। अब यहां पर क्या करेंगे, हमको पता लगाना है कि ये किस टाइप का डेटा टाइप है, ठीक है। मान लीजिए मैंने कह दिया कि ये इंटीजर है, लेकिन इससे तो थोड़ी ना हो जाता है कि ये इंटीजर हो जाएगा, इसको दिखाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे इंट अगर लिखा हुआ है तो ये इंटीजर है। तो प्रिंट एक फंक्शन होता है पाइथन में। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन जो है एक प्रोग्राम का सेट होता है जिसका कि कुछ नाम होता है। तो ये प्री डिफाइंड फंक्शन है प्रिंट जो है। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पे दे देता हूं टाइप। टाइप एक कीवर्ड है, ये हमें ये बताएगा कि ये डेटा टाइप कौन सा है। किसका डेटा टाइप पता करना है? ए में रखी हुई वैल्यू का। कितने ब्रैकेट ओपन हुए थे? 2। तो 2 हमने क्लोज कर दिया। अब इसको चलाते हैं एक बार, यहां से चलाया, एंटर किया। अब इसको सेव करते हैं, ठीक है, किसी भी नाम से सेव कर लेते हैं, एंटर करते हैं। पाइथन के फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है? .py। तो यहाँ पे क्या बता रहा है? क्लास इंट बता रहा है, यानी इसका डेटा टाइप क्या हुआ? इंटीजर हुआ, ठीक है ना। यानी ये भी क्या है? इंटीजर डेटा टाइप है। अगर मैं इसको हटा करके अगर केवल 5 लिख दूं या केवल 7 लिख दूं तो इसका डेटा टाइप क्या आएगा? वो भी इंटीजर आएगा। तो यहाँ पे इंटीजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन यही अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे 7.0 कर देता हूँ, पॉइंट लगा दिया, तो कौन सा डेटा टाइप बन जाएगा? ये फ्लोट डेटा टाइप। कौन सा डेटा टाइप?
एफ एल ओ ए टी फ्लोट एडिट अटैक, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आप किसी को सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हैं और वो सॉफ्टवेयर में दो नंबर का एडिशन करवाया जा रहा है या सब्ट्रैक्शन करवाया जा रहा है, तो जो अगला व्यक्ति है जिसको आप सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हैं वो क्या केवल इंटीजर्स का ही एडिशन करवाएगा या सब्ट्रैक्शन करवाएगा? वो तो हो सकता है कि पॉइंट वाली वैल्यूज का भी करवाए, तो इसीलिए हम फ्लोट डेटा टाइप देते हैं। तो देखिए इसका डेटा टाइप क्या आएगा, फ्लोट आएगा। यहां पर देखिए क्या आ रहा है, फ्लोट आ रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी का नेम है तो वो कौन सा डेटा टाइप होगा, तो नेम को हमेशा सिंगलटेड कॉमा या डबलटेड कॉमा में लिखा जाता है। आप सिंगलटेड कॉमा में भी लिख सकते हैं, डबलटेड कॉमा। तो यहां पर जैसे मान लीजिए मैंने अपना ही नाम लिख दिया, तो ये अपना नाम लिखा, तो ये कौन सा डेटा टाइप होगा, ये स्ट्रिंग डेटा टाइप होगा। और बाय डिफॉल्ट ये आता है एसटीआर लिख के, क्या लिखेगा, एसटीआर, यानी स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग क्या होता है, सेट ऑफ कैरेक्टर। इसमें कितने कैरेक्टर है काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 कैरेक्टर है ना, तो सेट ऑफ कैरेक्टर होता है स्ट्रिंग। F5 कीजिए, एंटर कीजिए, ये देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, एसटीआर आ रहा है, यानी ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है। कौन सा डेटा टाइप है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर प्रियांशु भी लिख देंगे तो भी ये स्ट्रिंग डेटा टाइप होगा। यहाँ पे देखिए PRIYANSHU, ये प्रियांशु लिख दिया तो भी ये स्ट्रिंग ही डेटा टाइप है। F5 कीजिए, देखिए स्ट्रिंग डेटा टाइप आ रहा है ना, हाँ स्ट्रिंग डेटा टाइप ही होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको, कोई दिक्कत इसमें। अब मान लीजिए आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो दो नंबर को जो है डिवाइड कर सके, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, तो यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे एक वेरिएबल का नाम। तो ए लिख दिया, इसमें पहली वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगी। ए का डेटा टाइप क्या होगा, हम इंटीजर टाइप की वैल्यू को ऐड करना चाहते हैं, तो इंटीजर लिख दिया हमने। और एक फंक्शन होता है प्री डिफाइंड जो कि इनपुट होता है, और इनपुट बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू लेता है। स्ट्रिंग समझ रहे हैं ना, अभी बताया मैंने, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं एंटर द फर्स्ट नंबर, क्या लिख रहा हूं, अच्छा ये बताइए एंटर द फर्स्ट नंबर में कितने कैरेक्टर्स हैं, एंटर द फर्स्ट नंबर में कितने कैरेक्टर्स हैं। देखिए ये एंटर द फर्स्ट नंबर लिखा मैंने, इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, स्ट्रिंग हुआ कि नहीं हुआ, तो मैंने बोला कि इनपुट जो है स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रखता है, तो ये स्ट्रिंग हो गया, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू। अब यूजर जब इसको यूज करेगा तो स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ आएगा, एंटर द फर्स्ट नंबर। अब फिर एंटर करते हैं, अब दूसरा नंबर एंटर करवाते हैं, यहाँ पे इंटर डेटा टाइप लिया हमने, फिर यहाँ इनपुट फंक्शन का यूज किया, और इनपुट फंक्शन का यूज करने के बाद यहाँ पे लिखते हैं एंटर द सेकंड नंबर। दो नंबर का कराना है कि चार नंबर का कराना है, जितने, तो ठीक है, तो यहाँ पे कर दिया एंटर द सेकंड नंबर, ये कर दिया हमने, और यहाँ से डबल कॉमा को क्लोज कर दिया। अब ये तो काम हो गया, कितने ब्रैकेट ओपन हुए थे, तो दो क्लोज करेंगे, एंटर कर दिया। अब हम क्या करना चाहते हैं, इसको डिवाइड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर डिवाइड अगर करते हैं, मान लो पहले में यहाँ पे देखो मैं फिर कमेंट लगा रहा हूँ, ये देखो ये कमेंट प्रिंटिंग में नहीं आता, ठीक है, ऐसे लिख दोगे तो प्रोग्राम गलत हो जाएगा, कमेंट लगा करके लिखोगे तो प्रिंटिंग में नहीं आएगा। जैसे मान लो पहले में यूजर ने एंटर किया 7, ठीक है, जैसे ए एक वेरिएबल है उसमें यूजर ने एंटर क्या किया, 7 एंटर किया, और बी दूसरा वेरिएबल है तो यूजर ने इसमें क्या एंटर किया, बी में एंटर किया 2। तो 7 को अगर 2 से हम डिवाइड करते हैं तो कहीं तो उसको स्टोर करेंगे, कहीं तो रखेंगे, तो उसके लिए मैंने सी बना दिया, लेकिन सी का हमने डेटा टाइप डिसाइड नहीं किया है, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट किस तरह की वैल्यू लेगा, फ्लोट टाइप की वैल्यू लेगा, ठीक है ना, यानी पॉइंट में भी ये टेक कर सकता है वैल्यू को, तो यहाँ पे कर देते हैं ए अपॉन बी, ठीक है। और अब हम प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहाँ लिख देते हैं द डिवीजन, कर रहा है ना, डिवीजन इज, ये लिख दिया हमने, और डबल कॉमा को क्लोज किया, और यहाँ पर सी में जाके ये स्टोर होगा, और इसको बंद करके और यहाँ से F5 करके सेव करेंगे, ठीक है। हम सेव तो ऑलरेडी है, इसको चला दिया, तो यहाँ कोई भी एक नंबर एंटर कीजिए, एंटर कीजिए, अब एंटर प्रेस कीजिए, दूसरा नंबर एंटर कीजिए, आंसर आ गया आपका, आंसर आ गया ना, अब इसको क्लोज कीजिए। अब मान लीजिए आपको फिर से चलाने का मन किया तो फिर यहां से F5 प्रेस कीजिए, पहला नंबर एंटर कीजिए, दोनों नंबर आपने एंटर कर दिए, एंटर कीजिए, अब आंसर आ गया आपका डिवाइड करके, ठीक है। फिर यहां पर एक बार और चलाने का मन किया तो फिर आपने F5 किया, अब पहला नंबर एंटर कीजिए, हाँ 8 है, 6 से इसको डिवाइड करा रहे हैं तो 1.333 रिजल्ट आ जाएगा आपका, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ऐसे ही आपको प्रोग्राम्स बनाने हैं, ठीक है। एक बार कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप के बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप तो हमने देखा ही नहीं। तो यहाँ पर ए नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसमें क्या लिखता हूँ, 2j+3, तो यहाँ पे लिख दिया है 2j+4। अब अगर इसको चलाते हैं तो
तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पे ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप बता रहा है, यानी यहां पर नंबर और कैरेक्टर का सेट है और यहां पर जो है केवल नंबर है। तो इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप का एग्जांपल हो गया। इसी तरीके से लिस्ट डेटा टाइप है, जैसे मान लीजिए हम LST नाम से एक लिस्ट बना रहे हैं और इस लिस्ट के अंदर बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का नाम हमने लिख रखा है, जैसे यहां पे पाइथन कर दिया, यहां पे जावा कर दिया, यहां पे कॉमा देके यहां पे C++ कर दिया हमने, यहां पे हमने क्या कर दिया, यहां पे सी कर दिया। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम हमने लिख दिए। तो इसका डेटा टाइप क्या होगा, इसका डेटा टाइप होगा लिस्ट। तो यहां पे इसको चला के देखते हैं क्या होता है। तो यहां पे चलाया, ओ यहां पे ए इज नॉट डिफाइंड आ रहा है, यानी ए को हमने डिफाइन तो किया नहीं है, तो यहां पे ए तो होगा नहीं, LST होगा। तो यहां पे LST कर देते हैं और F5 करके एंटर कर देते हैं। तो यहां पे देखिए लिस्ट डेटा टाइप आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं इसको केवल क्या करता हूं, स्मॉल ब्रैकेट में कर देता हूं, तो यहां पर ये इसको टपल बताएगा। टपल, टपल भी एक डेटा टाइप होता है। तो ये देखिए यहां पर टपल डेटा टाइप बता रहा है, ठीक है। इसके बाद फिर अगर मैं इसमें चेंजेस करता हूं, तो अब क्या करेंगे, अब की और वैल्यू का कॉम्बिनेशन, ठीक है। अगला जो डेटा टाइप है वो की और वैल्यू का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे की में आपने क्या दे दिया, नेम दे दिया, ठीक है। अब ये नेम जो है डबल डॉट कॉमा में रहेगा, इस तरीके से आप सिंगल डॉट कॉमा का भी यूज कर सकते हैं। ये नेम हो गया, ठीक है। और यहां पर क्या करेंगे, यहां पर डबल डॉट कॉमा को क्लोज करेंगे इस तरीके से, और फिर यहां पर कॉलन लगाएंगे। अब जो है यहां पर कर देता हूं एज AGE, और इसमें भी डबल डॉट कॉमा लगा रहेगा इस तरीके से, ठीक है। और ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज रहेगा। तो एक में नेम और एक में एज आएगा, ठीक है। इसका डेटा टाइप क्या होगा, इसका भी तो डेटा टाइप देखना होगा। तो यहां पर जो है नेम में नेम आएगा, तो नेम में नेम पहले लिख देते हैं तब एज की बात करते हैं। तो नेम में RAM राम लिख दिया, और फिर यहां पर अब एज की बात करेंगे, ठीक है। तो यहां पे कॉमा लगा के एज कर देते हैं, और एज भी क्या होगा, डबल डॉट कॉमा के अंतर्गत लिखा जाएगा इस तरीके से। और यहां पे एज कर देता हूं 34, ये कर दिया, और इसको अब क्लोज कर देंगे। तो यहां पर जो है इसको तो क्लोज रखेंगे, यहां पे ये क्लोज कर दिया है। और अब इसको अगर हम चलाते हैं, तो यहां से इसको रन कराते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहां पे देखिए क्लास डिक्ट बता रहा है, यानी ये डिक्ट डेटा टाइप है, ठीक है। तो डिक्ट का भी एग्जांपल आपको पता चला। अब जो है एक और लास्ट डेटा टाइप बच गया है, जिसका नाम है सेट डेटा टाइप। तो सेट के लिए क्या है, तो यहां पे ए नाम से एक वेरिएबल बनाया, कर्ली ब्रेसेस ओपन किया और इज इक्वल टू लगा के कर्ली ब्रेसेस ओपन किया, और यहाँ पे कुछ जो फ्रूट्स के नाम है वो लिख देता हूँ, जैसे MANGO मैंगो लिख दिया हमने, ठीक है। फिर कॉमा लगाया हमने, यहाँ पे BANANA बनाना लिख दिया, ठीक है। इसमें डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं होती है, जैसे मान लीजिए मैं फिर अगर यहाँ पे MANGO लिखता हूँ, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये एक ही बार मैंगो को प्रिंट करेगा। और ये होता है कौन सा डेटा टाइप, सेट डेटा टाइप। तो ये कुल मिला के अलग अलग डेटा टाइप थे पाइथन के अंदर, जो कि आपको पता चले होंगे। यहाँ पर चूंकि हमने बनाया है ए नाम से, तो यहाँ पे LST ना देकर के ए देंगे, और यहाँ पे F5 करके एंटर करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा सेट डेटा टाइप, ठीक है।